एसन की वीडियो मत देखा करो। एसन जो है वो बहुत ज़्यादा वीडियो बना रहा है आजकल। इसकी वीडियो क्यों देखते हो? एसन के पास क्यों जाते हो? एसन को रोको, एसन को पकड़ो, एसन को गोली मार दो, अरे एसन को पकड़ के एसन को गोली मार दो। ठीक है भाई। अच्छा मैं आपको बताता हूँ, देखें गाइस, हमारी जो बर्ड्स की पूरी फील्ड है, इसमें बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो कि ठीक नहीं है। हमें भी पता है इस बात का। ठीक है, अच्छे बुरे लोग हर फील्ड में होते हैं, हर जगह पे होते हैं, दुनिया में होते हैं। अब हमें पता है कई लोग ऐसे, हम नाम नहीं ले सकते, जाहिर सी बात है, पागल थोड़ी हैं। हमारी उनके साथ उठना बैठना है या हमारा उनके साथ कोई ना कोई काम वास्ता पड़ता रहता है। तो अगर हम उनके नाम ले देंगे, जाहिर है वो भी हमसे बोलेंगे, यार दिलाजारी ये वाली क्या बात कर, है। यार ये क्या कर रहे हो यार। लेकिन हमें ये पता होता है कि कौन किस तरह का। ये बात बिल्कुल सच है, हर बंदे को हर जगह का पता होता है। अब आप देखें कि उजैर भाई को कुछ लोगों ने बोला, इनके दोस्तों ने, कि यार तुम ना वीडियो में जा रहे हो एसन की, क्यों जाते हो? तुम्हें क्या मिल रहा है, क्या दे रहा है वो, और क्या फ़ायदा है इस चीज़ का वीडियो बनाने का? भाई देखें, पहली बात तो ये कि उजैर भाई को तो ये बोलना चाहिए था, जो कि इन्होंने बोला नहीं, इन्होंने कुछ और बोला। इनको ये बोलना चाहिए था, भाई मैं वीडियो बनाने जाता हूँ, क्योंकि देखें शौक है, उजैर भाई को भी शौक है वीडियो का। हमें अच्छा लगता है, हम एक अच्छा पॉजिटिव काम कर रहे हैं। भाई किसी का गला नहीं काट रहे, किसी के घर में नहीं घुस रहे, किसी की डकैती नहीं कर रहे, किसी का मोबाइल नहीं छीन रहे, वीडियो बना रहे हैं, शौक है, मज़ा आ रहा है, लोग देखते हैं, प्यार करते हैं, हमें भी अच्छा लगता है, लवर्ड की बात करते हैं, कारोबार की बात करते हैं। इसके अलावा क्या एक्टिंग, इसके अलावा क्या मुझे बताएं कि क्या एक्टिविटी करें हम? क्या होटलों पे जाके बैठ जाएं, पूरा पूरा दिन आगा जूस पे बैठ जाएं जाके, ये टाइम जाया करें? उससे तो बेहतर ही है ना कोई अच्छी बात कर रहे हैं। तो मैं आपको बताता हूँ इनके दोस्तों ने इनको कैसे तंग किया। पहले इनको बोला कि यार तुम ना नहीं जाया करो, तुम्हें क्या मिल रहा है, तुम्हारा माल बिकना बंद हो जाएगा। ये उजैर भाई को बोल रहे हैं कि तुम एहसन के पास जाओगे, वीडियो बनाओगे, तो तुम्हारा माल बिकना बंद हो जाएगा। आप हालत देख रहे हैं इन लोगों की, कितनी हंसने वाली बात है, कितनी हंसी वाली बात, कितनी डफर बात है। इट्स लाइक अ डफर कि कोई किसी को बोल रहा है कि तुम उसके पास जाओगे तो तुम्हारा माल बिकना बंद हो जाएगा। अच्छा पहली बात तो ये कि माल लेता कौन है भाई? माल आवाम लेती है। मेरे पास अगर कोई खूबसूरत चीज़ है तो कोई भी आके ले लेगा, वो ये नहीं देखेगा मैं किससे ले रहा हूँ, क्या ले रहा हूँ, क्योंकि परिंदों का काम ही सारा शौक से चलता है, और शौक में कोई देखता नहीं है कि मैं इससे लूँ कि नहीं लूँ, या इससे तो मना किया हुआ है उजैर भाई ने लेने से, या एहसन भाई से तो मना किया हुआ है उजैर भाई ने लेने से, ऐसा कुछ भी नहीं है, कोई सीन ही नहीं है भाई, कोई चक्कर ही नहीं है, इन चीज़ों से बाहर निकल आओ। मैं आपको अभी भी बता रहा हूँ, लोगों के ना लटक नहीं बनो, किसी का लटक नहीं बनो कि आप लटके हुए हो किसी के साथ, दब रहे हो आप किसी से, आप किसी को उठा रहे हो पूरा पूरा दिन बैठ के, ये काम नहीं करने जिंदगी में, हमेशा याद रखें, ये आपने काम नहीं करने। किसी के नहीं उठाने आपने नखरे, मैं नखरे की बात कर रहा हूँ, कुछ और मत समझिएगा, किसी के नखरे नहीं उठाने आपने, आपने अपना काम करना है और अपनी शख्सियत बनानी है। इनके चक्रों से बाहर आ जाएं, ये जो पीछे फूल लेके खड़े होते हैं जो जय 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 जय, ये काम नहीं करना है आपने। मैं आपको बताऊं ऐसे भाई, देखें कौन क्या कहता है, मैं किसी की बात नहीं सुनता, मेरा जो दिल करता है मैं वो करता हूँ। सही बात, मैं यहाँ आता हूँ, मुझे अच्छा लगता है, आप मुझे इज्जत देते हो, मैं भी आपको इज्जत देता हूँ, आप हम दोनों का एक तरीके से फैमिली माहौल टाइप का हो गया यार। मतलब आप आता हूँ मैं, आप भी खुल के बात करता हूँ, मैं भी खुल के बात करता हूँ, कौन मेरे बारे में क्या सोचता है, कौन मेरे बारे में क्या कहता है, कौन आपके बारे में सोचता है, मुझे इससे कोई फर्क नहीं पड़ता भाई, मेरा दिल मिल रहा है मैं मिलूंगा। सही बात, ठीक है, मुझे कोई रोके। बाय द वे मैं आपको बता दूं, मैं आपको, अच्छा मैं आपको उजैर भाई का जरा थोड़ा सा बता दूं कि बेसिकली उजैर भाई हैं कौन, जरा गौर से सुनिएगा इस बात को। उजैर भाई मेरे फैमिली फ्रेंड हैं, ठीक है, उजैर भाई मेरे फैमिली फ्रेंड हैं, और एक बहुत ही अच्छे इज्जतदार घराने से ताल्लुक रखते हैं। इनके वालिद साहब माशाल्लाह सरकारी अफसर हैं, 20वें ग्रेड के ऑफिसर हैं, खुद बंदे ने जो है ना मास्टर्स किया हुआ है, और एक सरकारी ऑफिसर की हैसियत से एक इदारे में काम कर रहा है। ठीक है, हम नाम नहीं ले सकते क्योंकि इनकी प्राइवेसी है, एक खास इदारे में ये काम करते हैं और इनकी गवर्नमेंट जॉब है। तो ये बंदा जो है ये सरकारी अफसर है, ये ऐसे नहीं बैठा हुआ जो आप समझ रहे हैं कि मुंह उठा के किसी को भी उठा के बुला लिया है, एक बंदा आके कुछ भी बोल रहा है, ऐसा कोई हवा में चीज़ें नहीं होती भाई, मजाक नहीं है कोई, ऐसे हम पागल नहीं है कि हमें लोग इतना सुन रहे हैं, इतना पसंद कर रहे हैं, बगैर वजह के कोई किसी को पसंद नहीं करता, ये भी याद रखिएगा। बताएं उजैर भाई, देखें ऐसे भाई मेरी जो है जॉब वो मेरी पर्सनल है, मैं दो जॉबें करता हूँ, एक करता हूँ वो मेरा अपना पर्सनल है, मेरा जो भाई मेहनत मेरे हिम्मत है तो मैं काम कर रहा हूँ। सही, मेरे में हिम्मत नहीं होगी मैं नहीं कर पाऊंगा, और अभी जब अल्लाह ताला ने हिम्मत दी, ताकत दी, तो आप उसको आप फायदा उठाओ। आप देखें फजूल बैठने से बेहतर है मेहनत कर लो। सही बात है, अभी हम मेहनत करेंगे तो उसका अजर हमें आने वाले वक्तों में मिल जाएगा। सही बात, ठीक है, तो हम मेहनत करते हैं, मैं मेहनत करता हूँ, मैं मेहनत से पीछे नहीं हटता, चाहे छोटे से छोटा काम हो, बड़े से बड़ा काम हो, और मैं खुद करता हूँ। बर्ड्स का सफाई, बच्चा रख लूँ, मेरे है इतना, अल्लाह ताला ने इतना है कि मैं बच्चा रख लूँ, लड़का रख लूँ, लेकिन नहीं, मैं खुद करता हूँ क्योंकि ये मेरे अंदर आदत है। मेरी वाइफ भी अगर मेरा केज साफ़ कर देती है या नीचे से कुछ कर देती है, मैं जाके खुद भी साफ़ करता हूँ। क्यों करता हूँ? क्योंकि यार मेरा, मुझे खुद से जो ना अपनी चीज़ को मेंटेन करने में मज़ा आता है।
ये इंसान को होना चाहिए। इंसान अपनी मेहनत से कभी पीछे नहीं हटे, और आप मेहनत करोगे अल्लाह ताला उसका सिला देता है, अजर देता है, ठीक है। और लोगों की क्या सोच है, लोग क्या बात करते हैं, पहली वीडियो स्टॉप हो गई क्योंकि आपको कॉल आ गई थी, हाँ। तो बात इसमें कट गई थी। देखिए हम लोगों में, कराची वालों में सबसे बड़ा एक ये फॉल्ट है, हम इसमें मैं भी शामिल हूँ, आप भी शामिल हो और लोग भी शामिल, सही बात, क्योंकि हम भी कराची में रहते हैं, कि हम लोग एक मुट्ठी नहीं होते। आप एक बात देखिए कि पंजाब साइड में सब एक होकर चलते हैं। रहीम अली डीनू साहब हैं, वो अपने शो में नवी शेख की तारीफ कर रहे होते हैं, वो अपने शो में के असद की तारीफ कर रहे होते हैं, किंग खान असद की, वो अपने शो में क्या नाम अदनान उशाई की तारीफ कर रहे होते हैं, और ऐसी नवी शेख साहब के शो में वो उनकी तारीफ कर रहे होते हैं, वो मिलके चलते हैं। हम लोगों में ये है कि हम मिलके नहीं चलते, हम बोलते हैं आओ आओ इसको उतारें नीचे, मतलब यही तो देखो एक बात ये फैक्ट है, ये अल्लाह की कुदरत है। अगर आप किसी की काट कर रहे होते हो ना किसी की भी, तो कुदरत ही आपकी काट हो रही होती है, सही बात, ये ध्यान किसी आप किसी का रास्ता रोकोगे अल्लाह आपका किसी का बुरा नहीं चाहो। देखो हम अपना काम कर रहे हैं, देखो मैं अपने बर्ड्स पाल रहा हूँ, ठीक है, मेरी मेहनत है, मुझे अल्लाह उसका अजर देगा, उसमें दूसरे की मेहनत नहीं, मैं कितनी मेहनत कर रहा हूँ। मैं अगर किसी की अपनी मतलब अपने बर्ड्स पालने के चक्कर में मेहनत भी कर रहा हूँ, उसके बाद मैं किसी की काट करूंगा ना, तो मुझे इस मेहनत का फायदा नहीं देगा अल्लाह ताला, क्योंकि मेरी नीयत खराब होगी। अपनी नीयत साफ रखो और आपकी मंजिल खुद आसान होती जाएगी, मंजिलों में रुकावटें भी खत्म होती जाएंगी। आपको 10 लोग बुरा कहने वाले मिलेंगे, 10 लोग अच्छा कहने वाले मिलेंगे, इस चीज में डिसार्ट नहीं हो। जब आपको कामयाबी मिली है ना, ताला कामयाब कर रहा है, तो आप अपनी कामयाबी देखें। अब क्या वो किसी पीछे कह रहा है, वो क्या बोल रहा है, आप उसकी बात नहीं सुने, बोलने वाले बहुत मिलेंगे। आपको कोई रिस्पेक्ट आपकी कर रहा है, कोई नहीं कर रहा, उस चीज से कोई मतलब इतना ज्यादा दिल पे नहीं लेना, ज्यादा डिसार्ट नहीं हो। आप अपनी सिर्फ सक्सेस देखें, अल्लाह ताला ने आज आपको इस मुकाम पे लाया, अल्लाह ताला आपको उसमें मिलाएंगे। मुमताज भाई भी आज अपनी वो यही तारीफ यही मतलब यही बातें कर रहे थे, कि मतलब वो जब वो बातें जिस तरीके से बता रहे थे, तो मतलब वो भी ये चीज बता रहे थे कि मतलब बहुत सी रुकावटें आती हैं, बहुत से लोग आपको बुरा कहते हैं, बहुत से लोग ऐसा कहते हैं, और बहुत सी वो चीज होती है, लेकिन क्या आपको अपना जो आपका विजन है, जो आपका मिशन है, आप उसको फोकस करें। सही बात, लोग क्या कह रहे हैं उसको नहीं देखें। आज वो अल्लाह ताला ने उनको किस मुकाम पे लाके खड़ा कर दिया, कि मतलब कोई भी शो कोई भी चीज हो, तुम्हें मुमताज भाई कराची के उस पे तो ना हो तो ऐसा फिर मजा ही नहीं आता शो में। आज भी वो देखा शो में मौजूद थे, हमसे ही मिले, इज्जत दी, हमने भी उनको रिस्पेक्ट की, और ये सीनियर है हमारे भाई, हम तो करेंगे। और जितने भी सीनियर हैं, जितने भी मैं किसी भी वो हो, चाहे वो स्पैरो फैमिली को पसंद करता हो, चाहे वो लवबर्ड फैमिली से हो, चाहे वो कॉकटेल फैमिली से हो, किसी भी फैमिली से, मैं ब्रीडर जो बर्ड्स की ब्रीडिंग करता है उसकी रिस्पेक्ट करता हूँ, चाहे वो किसी भी फैमिली से किसी भी मतलब फील्ड का हो। मैं अपने कॉम्पिटिटर भी मतलब लबड़ वाला भी होगा तो मैं उसकी रिस्पेक्ट करूंगा, मेरा सीनियर है यार। देखें बात बताऊं क्या है, मैं इसकी रिस्पेक्ट करूं, क्योंकि ये ऐसी चीजें हम इसमें 100% नहीं है। सही बात, इसमें कोई भी 100% नहीं है, कहीं ना कहीं किसी ना कहीं में कहीं ना कहीं कोई बंदा आगे फंसता है, कहीं ना कहीं किसी की जरूरत पड़ती है। मैं फंसा हूँ, मैंने फाकिर सोहेल साहब को कॉल की, मैं जावा का जब मेरा एक्सपीरियंस था, मैं फाकिर सोहेल साहब को कॉल की, मैंने उनसे एक्सपीरियंस लिया, मैंने कहा सर मेरे जावा का ये इशू आया, तो उन्होंने मुझे गाइड किया, वो गाइड किया, मेरा जावा माशाल्लाह से हेल्दी हो गया। उस पर मेरे और भी लोग थे, उनको कॉल किया, उन्होंने मुझे मिस गाइड किया, मतलब उन्होंने ये लगा ये लगा, मैंने कहा यार बर्ड्स पालता हूँ मैं भी हूँ, मुझे ये पता है कि मतलब ये चीज़ नहीं है उसको, उसको कुछ और चीज़ हुई है। तो जब उन्होंने फाकिर सोहेल साहब को बात की, उन्होंने मुझे बताया कि नहीं नहीं ये इसको ये देखो, उन्होंने फिर मुझसे इमेजेस मांगी उसकी बीट की कि उसने क्या किया, तो उस पर उन्होंने ट्रीटमेंट बताया कि ये करो उस पर, और उसका रिजल्ट उस पर अच्छा आया, और मैं मेडिसिन उस पर अप्लाई की, उस पर करा, वो बस मेरा हेल्दी हो गया, सेट हो गया। तो ये चीज़ आती है कि मतलब आपको ज़रूरत पड़ती है, मेरी ज़रूरत भी किसी को पड़ सकती है, आपकी ज़रूरत भी पड़ सकती है, और किसी बड़े ब्रीडर की या छोटे ब्रीडर की जरूरत पड़ती है, क्योंकि एक्सपेरिमेंट सबके साथ अलग अलग होते हैं। यहाँ हमें मिलके जितना हम मिलके चलेंगे ना, उतना हम लोग कामयाब होंगे, जैसे पंजाब साइड कामयाब हो रहा है। सही बात, सही है, वहाँ पे बर्ड्स की प्राइस के लिए सब एक साथ खड़े होते हैं कि बढ़ाएं प्राइस ये वो। हम लोगों में ये है कि कुछ लोग साथ होते हैं, कुछ लोग नहीं होते, कुछ लोग ये वो नहीं है, मतलब हम लोग भी मिलके चलें। सही बात, जैसे वो सब मिलते हैं, हम भी मिलके चलें, हम भी मिलके काम करें, और हम जब एक होंगे वो भी एक होंगे, मंजिल भी एक होगी। देखें जब कराची साइड और पंजाब साइड एक हो गया ना, तो फिर हमारा एक्सपोर्ट भी खुल जाएगी। सही बात, ये ध्यान में रखिएगा। लेकिन ये कि यहाँ पे ये भी कंपटीशन रहता है कि कराची पंजाब कराची में, तो इसमें भी हम लोग एक्सपोर्ट, हमारी हमारा एम होना चाहिए एक्सपोर्ट खोलना। सही, लीगल वे पे, इलीगल वे पे नहीं, इलीगल वे पे तो ज्यादा ही, लीगल वे पे अगर एक्सपोर्ट खुल जाए माल जाने लगे, तो हम लोग की कामयाबी वहां है। सही, हम सब एक होके चले तो वो ज्यादा अच्छा है, क्योंकि ये एक फील्ड है, ये एक फैमिली है, और इसको अगर आप भले आप अपनी फैमिली का किसी को ना समझे ना समझे, इससे वो नहीं होगा, वो अगर बर्ड्स का न्यू फेंसर भी काम कर रहा तो हमारी फैमिली में ऐड हो गया है।
सही बात, या कोई भी, तो रिस्पेक्ट सबकी करें, किसी को किसी से कमतर या छोटा, या क्योंकि देखें ये फील्ड ऐसी है यहाँ पे अमीर भी गरीब भी, बड़ा भी अच्छा भी, और देखा है तो बुरा भी, हर तरीके का बंदा काम कर रहा है। सही बात, कोशिश करें अपने किरदार से इंसान को बदलें। अगर वो हमें बुरा बोल रहा है, हम भी इसको बुरा बोलने का कसम से हमें फर्क नहीं, टाइम जाया करने वाली नहीं, इसमें हम दोनों फर्क ही नहीं, हमने भी कह दिया उसको बुरा, वो एक ही बात हो गई, वो भी कह रहा है, हम भी वही कह दिया, तो ये चीज नहीं। कोशिश करें कि अगर कोई आपको बुरा बोल रहा है, उसका अपना ऐसा किरदार शो करें वो आपको अच्छा करने कहने में मजबूर हो जाए कि नहीं यार ये बंदा अच्छा है। सही बात, कोशिश ये करें। ऐसा भाई, सक्सेस हासिल उसी को होती है जिसका दिल साफ होता है। सही बात, आपका दिल साफ है, आपको अल्लाह कामयाबी देगा, मेरा दिल साफ है, अल्लाह ताला मुझे भी कामयाबी देगा। जिस इंसान का जिस चीज में दिल साफ है, और जिन जो जो आज इस मुकाम पे आए, चाहे वो मुमताज भाई हो, आरिफ भाई हो, या क्या नाम है एहसन इलाही साहब हो, और भी बड़े बड़े ब्रीडर्स हैं, काफी नाम तो देखे हैं, तो बहुत हैं नाम, तो बहुत हैं, और सब तारीख के काबिल हैं, क्योंकि सब एक से बढ़कर एक है। तो लेकिन क्या उनको कामयाबी अल्लाह ने दी, उनका दिल साफ है, जभी तो अल्लाह ताला उनको यहाँ तक लेकर आया, और जो नुकसान इन्होंने उठाया है तो कहीं ना कहीं उनके दिल में कोई बात थी जहाँ के नुकसान हुआ। अभी मुझे काफ़ी लोग ऐसे मिले जिस शो में, उन्होंने कहा यार हमारा तो बर्ड्स इतना सेल नहीं हुआ, ये मैंने कहा अल्लाह पे यकीन रखो, बात ये अल्लाह पे यकीन रखो, रिस्क देने वाली जात अल्लाह की है। और हम लोग वीडियो बनाने में इतने मसरूफ होते हैं, हमारा शौक ही वीडियो है, ये वीडियो ही हमारी ज़िंदगी है, हम खुश होते हैं भाई, क्योंकि हमारे पास ये एक बहुत अच्छा काम है जो हम समझते हैं कि हम अच्छे तरीके से कर रहे हैं। इस वीडियो बनाने में इतने बिजी होते हैं कि हमें कुछ पता ही नहीं है कि कोई क्या कर रहा है, यकीन करें हमारे पास टाइम ही नहीं है किसी के बारे में बात करने के लिए। सो चिक्स को बचाने के लिए डॉक्सीसाइक्लिन का इस्तेमाल किया जाता है। अगर आप अपने चिक्स को बचाना चाहते हैं तो हमसे डॉक्सीसाइक्लिन ऑर्डर पर मंगवा सकते हैं, ऑल ओवर दी पाकिस्तान डिलीवरी कर रहे हैं हम लोग। ऑर्डर करने का तरीका क्या है, डॉक्सी लिख के सेंड कर दीजिए मुझे मेरे व्हाट्सएप के ऊपर, मेरा व्हाट्सएप का नंबर है 0327231040। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जल्दी अल्लाह हाफ़िज़।